नमस्कार, मैं नमस्कार, आरजू मैं मनोज आरजू आईएएस मनोज के आईएएस के कार्यक्रम कार्यक्रम सवाल सवाल से से समाधान समाधान में में एक एक बार बार फिर फिर से से आप आप सभी सभी का का स्वागत स्वागत करती करती हूँ। हूँ। आज आज हमारे हमारे साथ साथ मौजूद मौजूद हैं हैं जीएस जीएस के के एक्सपर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी फैकल्टी मेंबर्स मेंबर्स प्रवीण प्रवीण मलिक मलिक सर सर और और मनोज मनोज आईएएस आईएएस के के डायरेक्टर डायरेक्टर डॉक्टर डॉक्टर मनोज मनोज कुमार कुमार सिंह। सिंह। सर, सर, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के के कुछ कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चंस हैं, हैं, जैसे जैसे आरयूसी आरयूसी दिल्ली दिल्ली से से जानना जानना चाहती चाहती हैं हैं कि कि यूपीएससी यूपीएससी की की तैयारी तैयारी में में एनसीईआरटी एनसीईआरटी की की क्या क्या भूमिका भूमिका है? है? सर, सर, आप आप इस इस पे। पे। नमस्कार नमस्कार सब सब दोस्तों दोस्तों को को मेरा मेरा सुप्रभात। सुप्रभात। और और आज आज हम हम बात बात करेंगे, करेंगे, आपका आपका सवाल सवाल है है कि कि यूपीएससी यूपीएससी की की तैयारी तैयारी में में एनसीईआरटी एनसीईआरटी की की क्या क्या भूमिका भूमिका है। है। यह यह सवाल सवाल केवल केवल एक एक लड़के लड़के का का नहीं नहीं है, है, ये ये उस उस जैसे जैसे एक एक पूरे पूरे वर्ग वर्ग का का सवाल सवाल है। है। इसको इसको लेके लेके हम हम कंफ्यूज कंफ्यूज रहते रहते हैं हैं कि कि हम हम तैयारी तैयारी कहाँ कहाँ से से शुरू शुरू करें। करें। तो तो हमारा हमारा यूपीएससी यूपीएससी या या किसी किसी भी भी स्टेट स्टेट सिविल्स सिविल्स के के लिए लिए तैयारी तैयारी करने करने का का सबसे सबसे मूल मूल आधार आधार है है वो वो एनसीईआरटी एनसीईआरटी है। है। और और ये ये एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्यों क्यों है? है? क्योंकि क्योंकि सबसे सबसे पहले पहले तो तो ये ये भारत भारत सरकार सरकार की की प्रमाणित प्रमाणित पुस्तक पुस्तक है। है। इसके इसके ज्ञान ज्ञान को को हम हम कहीं कहीं भी भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं नहीं उठा उठा सकते। सकते। जो जो अगर अगर प्राइवेट प्राइवेट जो जो हम हम कोई कोई किताब किताब पढ़ते पढ़ते हैं हैं उसमें उसमें बहुत बहुत सारी सारी गलतियां गलतियां हो हो सकती सकती हैं। हैं। उसके उसके लिए लिए वो वो प्रकाशक प्रकाशक जिम्मेदार जिम्मेदार नहीं नहीं होता। होता। यह यह भारत भारत सरकार सरकार प्रत्येक प्रत्येक फैक्ट फैक्ट के के लिए लिए जिम्मेदार जिम्मेदार है। है। जो जो उसने उसने किताब किताब में में लिखा लिखा है है तो तो हम हम उसके उसके ऊपर ऊपर ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन उठा उठा सकते सकते हैं, हैं, हम हम उसको उसको फॉलो फॉलो कर कर सकते सकते हैं। हैं। अब अब हम हम बात बात करेंगे करेंगे अपनी अपनी परीक्षा परीक्षा की की चर्चा चर्चा के के साथ। साथ। तो तो सबसे सबसे पहले पहले दोस्तों दोस्तों हमें हमें एनसीईआरटी एनसीईआरटी को को बहुत बहुत गहन गहन अध्ययन अध्ययन की की जरूरत जरूरत है, है, क्योंकि क्योंकि जो जो आज आज की की प्रवेश प्रवेश परीक्षा परीक्षा है है वो वो किसी किसी भी भी स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड प्राइवेट प्राइवेट किताब किताब के के इर्द इर्द गिर्द गिर्द नहीं नहीं घूमती। घूमती। उसके उसके लिए लिए हमें हमें एक एक संपूर्ण संपूर्ण ज्ञान ज्ञान होना होना चाहिए। चाहिए। मान मान लीजिए लीजिए अगर अगर हम हम इतिहास इतिहास की की बात बात करते करते हैं हैं तो तो इतिहास इतिहास के के बारे बारे में में हमें हमें अपने अपने प्राचीन प्राचीन से से लेके लेके और और अब अब तक तक के के बारे बारे में में जितना जितना भी भी हम हम पढ़ पढ़ सकते सकते हैं हैं हमें हमें संपूर्ण संपूर्ण ज्ञान ज्ञान चाहिए। चाहिए। तो तो अब अब उसके उसके लिए लिए हम हम क्या क्या पढ़ें? पढ़ें? मार्केट मार्केट में में 500 500 किताब किताब हैं, हैं, बहुत बहुत सारी सारी मैगजीन्स मैगजीन्स हैं। हैं। उसके उसके लिए लिए के के बच्चा बच्चा कंफ्यूज कंफ्यूज रहता रहता है। है। तो तो हमें हमें करना करना क्या क्या है? है? हमें हमें सबसे सबसे पहले पहले एनसीईआरटी एनसीईआरटी उठानी उठानी है। है। सिक्स सिक्स क्लास क्लास से से एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ना पढ़ना स्टार्ट स्टार्ट करेंगे करेंगे और और 12वीं बारहवीं तक तक की की एनसीईआरटी एनसीईआरटी को को रेगुलर रेगुलर पढ़ते पढ़ते चले चले जाएंगे। जाएंगे। उससे उससे क्या क्या होगा? होगा? हमें हमें एक एक डेफिनेट डेफिनेट पैटर्न पैटर्न मिलेगा, मिलेगा, एक एक डेफिनेट डेफिनेट समझ समझ मिलेगी मिलेगी और और एक एक सरल सरल जो जो भाषा भाषा होती होती है है उसको उसको हम हम बिना बिना किसी किसी टीचर टीचर के के भी भी पढ़ पढ़ सकते सकते हैं। हैं। एक एक बार बार एनसीईआरटी एनसीईआरटी हम हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो तो हमें हमें अपने अपने विषय विषय के के बारे बारे में में समझ समझ विकसित विकसित होगी होगी कि कि हमें हमें पढ़ना पढ़ना क्या क्या है, है, क्या क्या वो वो पूछ पूछ सकता सकता है। है। और और दोस्तों, दोस्तों, जो जो अगर अगर हम हम किसी किसी भी भी विषय विषय को को पढ़ते पढ़ते हैं हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी में में तो तो आप आप देखेंगे देखेंगे कि कि पढ़ने पढ़ने से से पहले पहले किसी किसी भी भी एग्जाम एग्जाम की की तैयारी तैयारी करने करने के के पहले पहले आप आप एक एक पैटर्न पैटर्न देख देख लें। लें। मान मान लीजिए लीजिए आपको आपको यूपीएससी यूपीएससी की की तैयारी तैयारी करनी करनी है है तो तो आप आप उसके उसके प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन उठा उठा के के देखिएगा। देखिएगा। जो जो अगर अगर हम हम प्री प्री की की बात बात करते करते हैं, हैं, परीतो परीतो एक एक समग्र समग्र अध्ययन अध्ययन होता होता है। है। कुछ कुछ सवाल सवाल कहीं कहीं से से पूछे पूछे जाते जाते हैं, हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन कहीं कहीं से से पूछे पूछे जाते जाते हैं। हैं। जब जब हम हम मुख्य मुख्य विषय विषय में में जाएंगे जाएंगे तो तो वहाँ वहाँ हमें हमें लिखना लिखना होता होता है है और और उस उस लिखने लिखने की की समझ समझ कोई कोई दो दो चार चार महीने महीने में में तो तो हमारी हमारी डेवलप डेवलप होती होती नहीं नहीं है। है। उसमें उसमें हम हम देखेंगे देखेंगे कि कि बहुत बहुत सारे सारे जो जो क्वेश्चंस क्वेश्चंस हैं हैं वो वो एनसीईआरटी एनसीईआरटी से से ऐसे ऐसे कैसे कैसे उठा उठा के के और और मुख्य मुख्य परीक्षा परीक्षा में में पूछे पूछे गए गए हैं हैं और और हर हर बार बार पूछे पूछे जाते जाते हैं। हैं। और और वो वो क्यों क्यों पूछे पूछे जाते जाते हैं? हैं? क्योंकि क्योंकि जो जो अगर अगर हमें हमें इतिहास इतिहास की की तैयारी तैयारी करनी करनी है, है, हम हम एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेके लेके चलते चलते हैं हैं इतिहास इतिहास के के विषय विषय में, में, जो जो इतिहास 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 की की हमने हमने तैयारी तैयारी की। की। एनसीईआरटी एनसीईआरटी के के बाहर बाहर कोई कोई इतिहास इतिहास नहीं नहीं है। है। जो जो अगर अगर किसी किसी ने ने एनसीईआरटी एनसीईआरटी भी भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे से से की की है है और और वो वो परीक्षा परीक्षा में में बैठना बैठना चाहता चाहता है है तो तो उसको उसको अच्छे अच्छे से से तैयार तैयार करके करके उसको उसको पास पास कर कर सकता सकता है। है। ऐसा ऐसा क्यों? क्यों? केवल केवल एनसीईआरटी एनसीईआरटी के के बेस बेस पे पे ऐसा ऐसा क्यों क्यों हो हो सकता सकता है? है? क्योंकि क्योंकि यूपीएससी यूपीएससी आपको आपको ये ये नहीं नहीं कहता कहता कि कि आपको आपको 50 50 किताबें किताबें पढ़ पढ़ के के यूपीएससी यूपीएससी देना देना है। है। यूपीएससी यूपीएससी आपकी आपकी समझ समझ को को देखता देखता है, है, आपके आपके निर्णय निर्णय लेने लेने की की क्षमता क्षमता को को देखता देखता है है और और आपके आपके
क्या करते हैं, हमने किताब खरीदी जोश जोश में, एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर हमारा होता है कि हम एनसीईआरटी तो पढ़ ली, अब हम कौन सी किताब पढ़ें। मैं यहाँ आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप बार बार एक ही किताब को पढ़ें, आपको बार बार, क्योंकि आप कोई भी किताब लेने जाएंगे मार्केट से, प्रत्येक किताब का आधार एनसीईआरटी होता है। जो अगर हम एनसीईआरटी एक बार पढ़ते हैं तो मान लीजिए हमें 30% क्लियर होता है, अब हमें क्या लगा कि हमने क्लास एनसीईआरटी से तो पढ़ लिया है, अब हम क्या करें। तो दोस्तों मैं सुझाव देना चाहूंगा, एक बार एक किताब और बार बार एक ही किताब को फॉलो करें और बार बार फॉलो करें। जो अगर आपको ये लगता है कि हमारे कुछ कंसेप्ट एनसीईआरटी से क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप किसी अध्यापक की सहायता ले सकते हैं, और जब आपका एनसीईआरटी तैयार हो जाएगा और तब आप प्रैक्टिकल जाके देखेंगे कैसे कि हमारा तैयार हुआ या नहीं हुआ। वही जो मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में बताया था, आप जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है, चाहे वो स्टेट पीसीएस है चाहे वो यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन देखिए वो तो बिल्कुल डायरेक्ट वहां से उठाए गए होते हैं। हाँ यूपीएससी में थोड़ा घुमा दिया जाता है लेकिन आंसर आपको वहीं मिलेगा। तो आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, जब तक आप दंगल में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाते तब तक आप किताबों को पढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना से, राहुल कहते हैं कि एनसीईआरटी किस किस विषय की पढ़नी चाहिए, किस कक्षा की पढ़नी चाहिए। आप एनसीईआरटी किस विषय की पढ़नी चाहिए, इसके बारे में हमारे डायरेक्टर डॉक्टर मनोज सिंह हैं, इन्होंने काफी समय से बच्चों की तैयारी करा रहे हैं और इनको इस विषय में समग्र बिल्कुल ये निपुण है। इस मामले में ये आपको बताएंगे कि हमें किस विषय की और किस कक्षा से हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। मनोज जी नमस्कार। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले आपको, तो जल्द ही आप आईएएस बने और देश की सेवा करें। और लेकिन आपको बता दें, जैसा कि मलिक सर ने कहा कि क्या आप एनसीईआरटी को किन किन विषयों को पढ़ें, ये क्वेश्चन आपके रहे हैं, और कितनी कक्षा से पढ़ें और कितनी बार पढ़ें। तो आप ये जान लीजिए कि एनसीईआरटी को कक्षा 6 से लेकर 12वीं क्लास तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और कितनी बार पढ़ने की बात नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की समझ अलग अलग होती है। तो अगर आप कमजोर हैं, आपकी समझ कम है, या आपको लगता है कि अभी हम एनसीईआरटी से अपने बात को नहीं समझ पाए हैं, तो ये जरूरी है कि आप जो है एनसीईआरटी को कई बार पढ़ते रहें, क्योंकि कई दार्शनिकों ने कहा है कि एक किताब को 1000 पढ़ो अपेक्षाकृत 1000 किताब को एक बार पढ़ने से, क्योंकि एक किताब को अगर कितनी बार पढ़ेंगे ना तो आपको ज्ञान निश्चित रूप से बढ़ेगा, और क्योंकि अभ्यास से ही विद्या बढ़ती है, और अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या नहीं बढ़ेगी। इसलिए जरूरी होता है कि एनसीईआरटी को जितनी बार आपको लगता है कि हमारे अंदर अभी कमी है उतनी बार पढ़ो, यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि मेरी तैयार है फिर भी एक आध बार जरूर अध्ययन करें और बीच बीच का अध्ययन करते रहें, नहीं तो इसका मतलब जो इसका फ्लो है अगर टूट जाएगा तो आपको सफलता मिलना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सवाल का जवाब रहा है, और अगर कोई समस्या होती है तो हमारे वेबसाइट पर आप विजिट करके अपने प्रश्न को, या यूट्यूब चैनल हमारा जो है मनोज आईएएस, उसमें भी आप कमेंट करके आप इसकी जानकारी ले सकते हो, अगर कोई समस्या है आपका समाधान उसका किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है नम्रता बेंगलोर से, ये जानना चाहती है कि इतिहास की कला एवं संस्कृति भी एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए। कला और संस्कृति के लिए भी एनसीईआरटी की ग्रामीण क्लास की बुक जो है बहुत अच्छी है, और एनसीईआरटी यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि किसी भी विषय के लिए, जैसा कि चित्र बनाकर एनसीईआरटी समझाता है, और यह सबसे बड़ी बात एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न देता है और प्रत्येक चीजों को बड़ी ही बारीकियों से समझाता है, और समझाने का तरीका इतना सरल होता है कि हर किताबों से उतना आप इसको उपलब्ध नहीं कर सकते, और इसीलिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें और इससे जो है कला और संस्कृति भी आराम से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें चित्र दिया है, स्थापत्य कला की परिभाषाएं कैसे हैं, स्थापत्य कला के प्रकार क्या हैं,
और इनकी बनावट कैसी रही है। और हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा है, 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था कला और संस्कृति जैन धर्म और बौद्ध धर्म में पत्थर को मिलाकर के क्वेश्चन पूछा था, ONCERT में एकदम यथावत क्वेश्चन था। तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि इससे कई प्रश्न आप आसानी से सीधे से सीधे अभ्यास प्रश्न पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीना इलाहाबाद से यह जानना चाहती है कि NCERT क्या मुख्य परीक्षा में भी जरूरी है, उसको पढ़ना चाहिए उसे? जैसा कि अभी तक हमने NCERT के ऊपर ही बात की है, तो इस सवाल का जवाब तो अब तक मिल चुका होगा, क्योंकि UPSC है जो वो डायरेक्ट सवाल पूछता है NCERT से, और जो स्टेट PTS हैं वो तो बिल्कुल उनकी लैंग्वेज भी हूबहू होती है। तो इसलिए हमें NCERT को केवल ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि इससे हमारे केवल फंडामेंटल क्लियर होंगे, इससे हमें ये मानकर तैयारी करनी चाहिए कि ये किताब हमें इस विषय के बारे में समग्र नॉलेज देगी। अब उसको आप अपने विचारों के तहत मुख्य परीक्षा के उसमें क्रमबद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसी दिल्ली से पूछना चाहती हैं, किसी विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तक भी सहायता हो सकती है UPSC एग्जाम में? देखिए, किसी भी ये आपका मानसी जी आपका जो प्रश्न है, इसका समाधान यह है कि किसी भी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम खराब नहीं होता और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ही UPSC में कापियां चेक करते हैं, उनको पढ़ाते पढ़ाते अनुभव होता है कि क्या चीज़ होना चाहिए और किन चीज़ों से बच्चे के अंदर समझ विकसित होगी। प्रत्येक विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम जो है, निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, JNU है, दिल्ली है, इसके पाठ्यक्रम तो सीधे UPSC की तरह ही है और इनके पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकें निश्चित रूप से बहुत सहयोगी हैं, और अन्य विश्वविद्यालय जो हैं उनके भी पाठ्यक्रम कहीं भी किसी भी विषय के हैं, जैसे आप इग्नू को ले लीजिए, UPRTU को ले लीजिए, और आपका अन्य विश्वविद्यालय हैं, उनके भी पाठ्यक्रम जो है किसी भी तरह से UPSC के अध्ययन में सहायक होंगे, क्योंकि कहीं का भी पाठ्यक्रम खराब नहीं होता है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं कबीरदास, अगर आप चाहे रोहिलखंड विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हो, चाहे आप कुमाऊं गढ़वाल से पढ़ रहे हैं, चाहे सोनीपत हरियाणा विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हो, ये उच्चतर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, कानपुर विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं, बंगलौर किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, सभी के पाठ्यक्रम प्रायः एक जैसे ही होते हैं और वे प्रायः एक दूसरे की पाठ्यक्रम के समरूप ही कार्य करते हैं। और 3 ईयर का जो आपका पाठ्यक्रम है, सभी चीजों को प्रायः पूरा कराने का प्रयत्न करते हैं, और UPSC भी कहीं ना कहीं सभी का कुछ न कुछ आधार अपने अंदर समेटे हुए रहती है। तो विश्वविद्यालय की पुस्तकें भी निश्चित रूप से आपको लाभ देंगी UPSC में, और तैयारी करना चाहिए इससे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप सभी को और भी कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और ईमेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं। हम अपने अगले कार्यक्रम में आप सभी के उन सभी आंसर्स दिए जाएंगे। थैंक यू सर।